कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी करते समय जिस प्रकार एक प्रखर राष्ट्रभक्त संगठन बजरंग दल की तुलना एक कुख्यात राष्ट्र विरोधी आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के साथ की है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता देश के लिए, समाज के लिए समर्पित है और पीएफआई की गतिविधियों से पूरी दुनिया परिचित है। हां, जहां जहां भी पीएफआई के लोग सरतन से जुदा गैंग के रूप में खड़े हुए और कांग्रेस की सरकारों ने उनका समर्थन दिया, वहां वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रत्येक लोकतांत्रिक तरीके का प्रयोग करके उस सरतन से जुदा गैंग के आतंक को समाप्त करने के काम में लगा। कांग्रेस और पीएफआई का जिस प्रकार गठबंधन रहा है, यह स्वाभाविक है। इन सब बातों के कारण से बजरंग दल कांग्रेस की आंखों की किरकिरी बना है। तुम देश की जनता को धोखा नहीं दे सकती सोनिया गांधी। जिस प्रकार से तुमने कोशिश की है बजरंग दल को एक गलत तरीके से बदनाम करने की, देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता इसको चुनौती के रूप में ले रहा है। हम राजनीति में नहीं पढ़ा करते, लेकिन आप हमको राजनीति में घसीटना चाहती हैं तो हम उस क्षेत्र में भी आपको जवाब देना चाहेंगे और किसी प्रकार से आपके गलत मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। आप बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करती हैं, वहीं आप भूल गई, आप ही ने संसद के अंदर सिमी पर प्रतिबंध का विरोध किया था। आप ही के लोगों ने सिमी जैसे देशद्रोही संगठन के प्रतिबंध का विरोध करते समय सड़कों पर प्रदर्शन किए थे। आप बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात करती हैं तो आपका छिपा एजेंडा अब खुलकर सामने आ गया है। बजरंग दल और देश की जनता इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और इस चुनौती का हर लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।